हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टॉलीवुड स्पाई। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऋतिक रोशन का दो मूवी के बारे में, बैंग बैंग और सुपर 30 के बारे में बात करेंगे कि ये दोनों ही मूवी अपने 12वें दिन पर कितने कलेक्शन किया, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बैंग बैंग मूवी को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने। तो दोस्तों, मूवी ने अपने पहले ही दिन से बहुत ही शानदार कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, मूवी ने अपने पहले दिन पर करीब 27 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि एक शानदार कलेक्शन था। तो दोस्तों, अब बात करेंगे मूवी अपने 12वें दिन पर कितने कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, मूवी ने अपने 12वें दिन पर करीब 3 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन किया था, जो कि एक शानदार कलेक्शन था। अब बात करेंगे ऋतिक रोशन का दूसरा मूवी सुपर 30 के बारे में। तो दोस्तों, सुपर 30 मूवी ने अपने पहले हफ्ते के अंदर 75 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब बात करेंगे मूवी ने अपने 12वें दिन पर कितने कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, मूवी ने अपने 12वें दिन पर करीब 3 करोड़ 34 लाख का कलेक्शन किया था, जो कि एक शानदार कलेक्शन था। तो इसी के साथ इस मूवी का टोटल कलेक्शन होता है 110 करोड़। तो दोस्तों, बैंग बैंग को लेकर बात करेंगे तो बैंग बैंग मूवी ने अपने टोटल कमाया था 183 करोड़, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित होता। तो दोस्तों, आपको ये दोनों ही मूवी से कौन सा मूवी सबसे अच्छी लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।